अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ भी रहें आबाद हैं। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज मैं खंडियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। खंडियों में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब वो मैं बताती हूँ आपको। चलिए आइए देखते हैं। ये मैंने 3 चम्मच दही ले रही हूँ, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। 3 चम्मच दही लिया है हमने, और 1 चम्मच हमने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच हम इसमें लेंगे हल्दी, सही है, और 1 चम्मच हम लेंगे जीरा कुटा हुआ, आधा चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, धनिया कुटा हुआ, सही है, और अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 चम्मच, और ये हरी मिर्च है 3 कटी हुई है। ये ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ये ज़्यादा तेज़ नहीं है हरी मिर्च। और ये नमक लेंगे हम, ये नमक हमने आधे चम्मच लिया है। हरा धनिया हम लेंगे थोड़ा सा, ये हम प्याज लेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी हमने प्याज पिसी हुई ली है। अब हम इसको सबको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हम इसमें लेंगे 1 कप बेसन है, बिस्मिल्लाह, और हम इसमें लेंगे 1 कप पानी, मेजरमेंट के हिसाब से लीजिएगा आप। ये हमने 1 कप पानी ले लिया है, इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। आपने बहुत ध्यान से बनाना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, वरना पानी पुशअप करने में बहुत टाइम लगता है और कढ़ाइयाँ भी अच्छी नहीं बनती हैं। बिल्कुल परफेक्ट मैंने मेजरमेंट लिया है, और आप भी इसी तरह से ही बनाइएगा। और इसमें गुठलियाँ अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिएगा, इसमें गुठलियाँ ना रहें। अब हम इसमें आधा कप पानी और डालेंगे, ये देखें, ये हमने आधा कप पानी और डाल दिया है, अब इसका काम खत्म हो गया। आप नाज स्ट्रीट फूड को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से बन गया है, देखिए इसमें कोई गुठली नहीं है, ठीक है। जलाते हैं चूल्हा, ये हमने चूल्हा जलाया है, इसके ऊपर रखते हैं। अच्छा, इसमें हम ऑयल लगा के पहले से हम वो रख लें, ताकि हमने इसमें जमाना है ना, तो हम इसमें पहले ऑयल लगा के पहले से ही हम रख लें, ताकि हमें परेशानी नहीं हो बाद में। इसको ग्रीस करके पहले से ही रख लें आप। ताकि ये चिपके नहीं, ये हमने कर लिया। ये देखिए ये इसमें हम डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको हिलाते रहेंगे, ये देखिए जब ये बेसन जो है सिमटने लगेगा और कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, उस वक्त हम इसको इसमें डिश में हम डाल देंगे जमने के लिए। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाना है, हल्की आंच पे ही बनाना है।
ये देखें सिमटना शुरू हो गया है बेसन। नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाइएगा, अगर दूसरा कोई बर्तन होगा तो उसमें जल्दी लगने का डर होता है कि नीचे लग जाता है तले में। ये देखिए जलना शुरू हो गया माशाल्लाह से, और उसका कलर देखें आप। थोड़ी मेहनत तो लगती है मगर यह है कि अच्छी बन जाती है कड़े कढ़ाइयाँ। ये देखिए इसको बंद कर रहे हैं हम चूल्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले आए हैं, अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई ली है, फिर इसमें ऑयल डालते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने ये ऑयल ले लिया, गरम कर लिया है, और ये पानी है, ये दही हमने लिया है, आधी प्याली दही है। प्याज हमने पीस ली थी, इसमें प्याज जाएगी, और ये दाना मेथी है, दाना मेथी हमने आधी चम्मच दाना मेथी लिए, नमक हसब ज़रूरत है, सही है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, धनिया लाल मिर्च पिसी हुई है, धनिया पिसा हुआ है एक चम्मच, एक चम्मच हमने लाल मिर्च पिसी ली है, हल्दी है, दही है। अब हम इसमें ये डाल रहे हैं दाना मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाना मेथी चली गई इसमें, फिर अब ये जाएगी प्याज, थोड़ा हम इसको हिला लें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है मैं फिर कहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगती है। और ये कढ़ाइयाँ बताइएगा कैसी लगती हैं। मैंने कढ़ाइयाँ पहले मुझे आती नहीं थी कढ़ाइयाँ बनाने, मैंने अपनी बहन से मैं कह के फरमाइश करके पकवाती थी। फिर मैंने सोचा मैं कब तक वो करूँगी ना, मैंने फिर अब खुद से सीखी फिर ये बनाना ना, बहन से मैंने सीखी। वरना मैं उसको बोलती थी, उसके घर फ़ोन करके बोलती थी कि मुझे कढ़ाइयाँ खानी है, मुझे कढ़ाइयाँ बना के दो, तो वो स्पेशल फिर बनाती थी मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये देखिए दाना मेथी जैसे ही हल्का सा सुरख होने लगेगा, खुशबू आने लगेगी दाने मेथी की, तो हम इसमें ये डाल देंगे प्याज पिसी हुई, ठीक है। प्याज ज़रा सी गुलाबी हो जाए तो फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा, हमने ये दही में हम डाल रहे हैं हल्दी, नमक हसबे जायका, और धनिया एक चम्मच हमने ये लिया है, एक चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, ठीक है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है एक चम्मच, एक चम्मच इतना हमने, क्योंकि हमने इसमें भी डाला था। और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा। इसमें डाल देंगे मसाले सारे जो हमने मिक्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा पानी डाल देंगे हम इसमें, हम इसको भूनते हैं, फिर भी आपसे मिलते हैं। ये मैंने कढ़ाई जमाई थी, इसको मैं पीस कर रही हूँ, ये देखिए इस तरह से पीस कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसको चौकोर में भी काट लें, आप चाहें तो इसको
नमक पारे की शेप में भी काट सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसे कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी जम गई है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारी ये कढ़ाई है तैयार हुई है, देखिए है ना। बिल्कुल मेजरमेंट सही आप रखेंगे तो आपकी माशाल्लाह से इसी तरह से कढ़ाइयाँ बनेंगी और कोई टूटेंगी नहीं। ये देखिए सारी सारी माशाल्लाह से सबका साइज यही है, इतनी मोटी होनी चाहिए ना। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है, देखें इसमें ऑयल छोड़ दिया है इसने। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इस पानी में उबाल आएगा तो फिर हम इसमें खनैया डाल देंगे। वो तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना हमें शोरबा बटना है उतना ही, आपको जितना शोरबा चाहिए उतना रखिएगा। इसको मैं रख देती हूँ बंद करके ताकि जल्दी इसमें उबाल आ जाए। इसमें मैं हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, ये दो तीन हरी मिर्च डाल दी है मैंने। तो चले आइए देखते हैं, इसमें हम कढ़ाइया डालते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम आँच हल्की कर देंगे इसकी। देखिए हम इसमें डाल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये ट्राई कीजिएगा। आप एक बार बनाएंगे बार बार आपका दिल चाहेगा, आपके घर वाले भी खुश होंगे। और ये चीज़ें गर्मियों में बहुत अच्छी लगती हैं। इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे बनाएंगे। चलो तो चलिए आए, अब ये हम चूल्हा बंद करते हैं। हमारा खाना सालन हो गया है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालते हैं धनिया थोड़ा सा, थोड़ा सा मचा लेते हैं इसके लिए। देखिए बिस्मिल्लाह, ये हमारी खंडैया देखिए रेडी हो चुकी हैं और बहुत मज़े की माशाल्लाह से बनी है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप एक बार ज़रूर आजमाइएगा, बनाइएगा और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे लगी है आपको ये हमारी रेसिपी। और मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को नाज़ी स्ट्रीट फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।